ध्रुविन है, ध्रुविन, ध्रुविन, यस सर। ध्रुविन क्वेश्चन रीड कर बेटा। रिलायंस लिमिटेड इश्यूड 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। कितने कितने शेयर्स है बेटा? 2 लाख शेयर्स। ओके स्टूडेंट ध्यान से देखना बेटा, 2 लाख शेयर्स हम लोगों ने इश्यू किए हुए हैं, कितने रुपए का शेयर है? ₹100। ओके कंटिन्यू बेटा। अमाउंट वॉज कॉल्ड अपॉन एज अंडर विथ एप्लीकेशन ₹30। एप्लीकेशन में हमको ₹30 चाहिए, इसका मतलब टोटल एप्लीकेशन पे ₹60 लाख मिलना चाहिए। यस बेटा, अलॉटमेंट में विथ अलॉटमेंट ₹30। 60 लाख अलॉटमेंट पे मिलना चाहिए, फर्स्ट कॉल पे विथ फर्स्ट कॉल ₹20। मतलब ₹40 लाख हमको फर्स्ट कॉल पे मिलने चाहिए, एंड फाइनल कॉल पे विथ फाइनल कॉल ₹20। 40 लाख। यस कंटिन्यू बेटा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ रही है जो कैलकुलेशन चेंज करेगी। यस बेटा कंटिन्यू। कंपनी हैज रिसीव्ड एप्लीकेशन ऑफ ₹210,000 शेयर्स एंड रुक जा रुक जा एक्सेप्ट रुक वेयर जा रिजेक्टेड। बेटा रुक जा, 210,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मिली है और एप्लीकेशन पे ₹30, इसका मतलब टोटल हमारे पास ₹63 लाख आए, उसमें से एक्सेस शेयर्स पर रिजेक्टेड। ऊपर के जितने भी शेयर्स थे, अब ऊपर के कितने शेयर्स थे बेटा ध्यान से सुनना, 2 लाख शेयर्स पब्लिक को इश्यू किए, 2,10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, मतलब एक्स्ट्रा थे हमारे पास 10,000 शेयर्स, वो हमने पब्लिक को वापस कर दिए। 10,000 × ₹30 एप्लीकेशन का मतलब ₹3 लाख, बाकी जो 60 लाख बचा ये पूरे के पूरे हमारे एप्लीकेशन के पैसे हैं जो हमको पूरे पूरे मिल गए। स्टूडेंट्स कैलकुलेशन में किसी को कोई भी डाउट हो बेटा तो पूछ सकता है, फिर मैं जनरेटरीज में आगे बढ़ूंगा। यस सर, फिर से करो। होल्ड ऑन होल्ड ऑन, हम लोगों ने स्टूडेंट्स 2 लाख शेयर्स इशू किए, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल सब जगह पे 2-2 लाख लिख दिया, एप्लीकेशन पे ₹30 मंगवा रहे, अलॉटमेंट पे 30, फर्स्ट कॉल 20, फाइनल कॉल पे 20, इन सबको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके अमाउंट लिख दिया। हमको टोटल 2,10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मिली है, यहां पे लिखा एप्लीकेशन 2,10,000 × ₹30, टोटल ₹63 लाख आया। ऊपर के जितने भी शेयर्स हैं वो हम लोगों ने रिजेक्ट किए हैं। अब ऊपर के कैसे पता चलेंगे, इश्यू किए 2 लाख शेयर्स, मिली एप्लीकेशन 2,10,000 की, मतलब एक्स्ट्रा शेयर्स हैं 10,000, वो हमने पब्लिक को रिजेक्ट किए, × ₹30, ₹3 लाख हमने वापस किया, बाकी बचा 60 लाख, ये पूरे पूरे 60 लाख हमारे एप्लीकेशन के हैं। स्टूडेंट्स अभी भी किसी को डाउट हो फोन अनम्यूट करके पूछो बेटा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। एक 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 करके बेटा, एक शाश्वत आप बोलो बेटा पहले डाउट। सर वो मतलब अमाउंट जो 10,000 शेयर्स की एक्स्ट्रा अमाउंट है सिर्फ उसको माइनस करके रिटर्न करना है। हाँ, उसको रिटर्न कर देंगे बेटा, 10,000 × एप्लीकेशन का 30, ₹3 लाख वापस करेंगे, बाकी जो 60 लाख बचेगा वो हमारा एप्लीकेशन का पैसा हो जाएगा। यस नेक्स्ट, किसको डाउट है बेटा प्लीज फोन अनम्यूट करके पूछिए। से जो आपने 60 लिखा ये नील नील क्या सब पता मतलब नहीं चला। 60 लाख एप्लीकेशन पे मिलने चाहिए थे, वो 60 लाख पूरे पूरे मिल गए, हमको आए एक्चुअली 63 लाख, उसमें 3 लाख हमने वापस कर दिया, तो जो 60 लाख बचे वो 60 लाख हमारे पूरे पूरे एप्लीकेशन के मिल गए। ओके गगनदीप। यस सर। स्टूडेंट्स अभी भी किसी को डाउट हो बेटा तो फोन अनम्यूट करके पूछो। ग्रेट, चलो फर्स्ट एंट्री। माही मेरी आवाज आ रही है बेटा? माही पद्मनाम मेरी आवाज आ रही है बेटा? पद्मनाम यस सर। पद्मनाम फर्स्ट एंट्री ट्राई करेंगे बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 63 लाख। यस परफेक्ट बेटा, 63 लाख क्यों आया, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने पैसे आए बेटा? 63 लाख। 63।
बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन 63 लाख 63 लाख। अब बेटा मैं बींग नहीं लिखूंगा, है ना, बींग वही रहेगा कॉमन सब जगह पे। एंट्री नंबर टू मानव ट्राई करना बेटा, एंट्री नंबर टू सर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, नॉर्मल एंट्री ये होती है बेटा, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, लेकिन हमने 3 लाख रुपए रिजेक्ट किया बेटा, एंट्री चेंज होगी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 63 लाख टू बैंक अकाउंट, जो रिजेक्ट किया मतलब उनको पब्लिक को पैसा वापस दे दिया 3 लाख रुपया, और बाकी जो बचेगा वो टू शेयर कैपिटल में 60 लाख रुपया ट्रांसफर कर देंगे। स्टूडेंट्स एंट्री नंबर 1 और 2 में किसी को कोई डाउट बेटा? सर 2 फिर से समझाओ ना। देखो बेटा हमारे पास टोटल एप्लीकेशन आई 63 लाख की, उसमें से हम लोगों ने 3 लाख रुपया पब्लिक को वापस कर दिया, तो टू बैंक अकाउंट 3 लाख, और बाकी जो 60 लाख रुपया बचेगा वो हम लोग शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। कंसेप्ट क्लियर बेटा? यस सर। सेकंड का नरेशन सेम बेटा, बीइंग शेयर एप्लीकेशन इज क्लोज्ड एंड एक्सेस शेयर्स वर रिजेक्टेड, बस इतना ऐड हो जाएगा, एक्सेस शेयर्स वर रिजेक्टेड। Yes. सर वो है ना, वो और में आपने लिखवाई दी। हाँ जो और में लिखवाई दी बेटा वो एंट्री है एक्स्ट्रा शेयर्स की। विश्वा आइए बेटा, विश्वा। यस सर। विश्वा थर्ड एंट्री बेटा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, अमाउंट अलॉटमेंट पे मंगवा रहे हैं 60 लाख रुपए। प्राप्ति आई है? प्राप्ति यस सर। प्राप्ति फोर्थ एंट्री बेटा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 60 लाख 60 लाख। दिया शाह विजयनगर, दिया शाह विजयनगर। यस सर। दिया फिफ्थ नंबर एंट्री ट्राई करो बेटा, शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल। अब देखो बेटा यहाँ पे 2 कॉल्स हैं, तो हमको दोनों को बायफोकेट करना पड़ेगा। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, पहले फर्स्ट कॉल के पैसे मंगवाएंगे 40 लाख रुपए। नंबर है सिक्स्थ नंबर एंट्री बेटा, नंबर है सिक्स्थ नंबर एंट्री बेटा, अनुज सिक्स्थ नंबर एंट्री बेटा, अनुज। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 40 लाख 40 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 40 लाख 40 लाख। अब देखो बेटा, अब ऐसे ही क्या आ जाएगा फाइनल कॉल। विशाल प्रजापति आए? यस सर। बेटा सेवेंथ एंट्री ट्राई कर, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल। ए भाई पहले मंगवा तो सही फाइनल कॉल का पैसा, डायरेक्ट तू पब्लिक को बोलेगा तभी तो पैसा देंगे ना बेटा पब्लिक। तो सेवेंथ एंट्री पहले पैसा मंगवाएंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, पब्लिक से मंगवाया 40 लाख रुपया। एंड लास्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 40 लाख 40 लाख। सम क्लियर स्टूडेंट सबको बेटा? लास्ट में टोटल कर देना आप लोग खुद। सम क्लियर हो गया स्टूडेंट सबको बेटा? यस सर। यस सर। फोटो भेज देना, वो फोटो भेजता हूँ बेटा। फोटो भेजना? हाँ भेजता हूँ बेटा, भेजता हूँ। सम कंप्लीट करना फटाफट।
सर यस रुद्रदीप बोल बेटा सर शेयर कैपिटल की एंट्री क्या लिखी है सेकंड नंबर में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 863 लाख टू बैंक अकाउंट 3 लाख टू शेयर कैपिटल 60 लाख सर यस बेटा तो ये बेसिक है या ऐसा सब एग्जाम में आता है मतलब डिपेंड करता है बेटा ऐसा हम लोग कह नहीं सकते इस चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर के बेटा तो इसमें से क्या पूछते हैं वो किसी को भी पता नहीं होता है हमें तो सब कुछ चीजें करनी है बेटा सिंपल वाला भी सम आता है कॉम्प्लिकेटेड वाला भी सम आता है बेटा हर तरीके का सम आता है हमें सब कुछ करना है बेटा सम कंप्लीट हो जाए तो बताना फिर एक ऐसा सम आपको देना है बेटा सर सर जो दो एंट्री बढ़ गई उसमें बीइंग सेम लिखना है बीइंग अमाउंट ऑफ फाइनल कॉल कॉल्ड अपॉन और लास्ट में बीइंग अमाउंट ऑफ फाइनल कॉल इज रिसीव्ड सिंपल सर हाँ मानो बोल बेटा सो ये मेथड तो खत्म हो गई तो इसे 10 साल से क्या चैप्टर चला रहे बेटा कुछ कुछ चीजें क्या होती है ना हमारे हाथ में नहीं होती है इसमें क्या बेटा जो पुरानी कंपनीज है ना पुरानी कंपनीज के लिए चीज सीखनी पड़ती है अभी क्या जो नई कंपनीज हैं बेटा नई कंपनीज में ये मेथड खत्म हो गई है लेकिन जो पुरानी कंपनीज है उनमें तो चल रही है ना बेटा तो आप लोगों में से अगर कोई सपोज सीए बन के जाता है बेटा तो सीए बन के जब एज एन ऑडिटर वो जाता है किसी कंपनी में तो उसको ये सब चीजें काम आती हैं बेटा अगर पुरानी कंपनी है तो अच्छा इसीलिए बेटा वो सिखा रहे हैं वो लोग स्टूडेंट सम सबका कंप्लीट हो गया बेटा यस सर बाकी सबका स्टूडेंट्स क्योंकि हर लेक्चर में नया सम होगा हर लेक्चर में कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट होगा जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया होगा बेटा इसका मतलब एवरी लेक्चर विल बी अ न्यू लेक्चर तो मिस मत करना बेटा एक भी मिस किया ना तो आगे क्या हो रहा है ना पता नहीं चलेगा लिखो सम लिखो बेटा अभी आज जिन जिन लोगों ने मिस किया ना बेटा उनकी मजा आएगी कल कल के लेक्चर में देखो कैसे उनके जलसे होते हैं बेटा टॉपिक्स के लिखो एबीसी लिमिटेड इश्यूड 10 लाख इक्विटी शेयर्स
10 lakh equity shares of rupees 10 each. 10 lakh equity shares of rupees 10 each. Amount was called upon as under. Amount was called upon as under. With application rupees 4. With allotment rupees 3. With first call rupees 2. With final call rupees 1. Application 4, allotment 3, first call 2, final call 1. Company has received applications of 11 lakh shares, full stop, excess shares were rejected, write journal entries. Sir, last line क्या बोले? Write journal entries. उसके पहले वाली. Excess shares were rejected. अभी उसके पहले वाली? Yes, sir. 11 lakh company has received applications of 11 lakh shares. चलो फटाफट सम करेंगे बेटा सब लोग. और हम 2 मिनट वेट करते हैं बेटा सबका हो जाए फिर इकट्ठा वेरीफाई कर लेंगे बेटा. डन सर. ग्रेट.
सर सर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बेटा बता मेरे को। रिजेक्ट में हो रहा है। रिजेक्ट कितने शेयर्स हुए? कितने शेयर्स रिजेक्ट है बेटा देख। 4 लाख। ए 4 लाख कहाँ से? 1 लाख होगा ना। 11 लाख। 11 लाख है ना। हाँ तो 11 का एक और इश्यू किए तूने 10 तक बेटा। 1 लाख शेयर्स हुए ना। तो रिजेक्ट में 1 लाख इनटू एप्लीकेशन का 4 रुपया मतलब 4 लाख रुपया रिजेक्ट। ओके यस सर। हाँ डन सर मुझे नहीं समझ। मलिका क्या कंफ्यूजन है बेटा बताओ। सर यही वाला रिजेक्ट वाला। आपने कितने शेयर्स इश्यू किए बेटा देखो। 10 लाख। और आपके पास एप्लीकेशंस कितनी आई हैं? 11 लाख। तो एक्स्ट्रा शेयर्स कितने हुए बेटा आपके पास? 1 लाख। तो यहाँ पे लिखेंगे आपके पास टोटल एप्लीकेशंस आई हैं 11 लाख की। 11 लाख इंटू 4 रुपया एप्लीकेशन का मतलब टोटल आया आपके पास 44 लाख माइनस रिजेक्ट। 1 लाख शेयर्स एक्स्ट्रा 4 रुपया मतलब 4 लाख रुपया रिजेक्ट किया बेटा। बाकी जो 40 लाख रुपया बचेगा वो हमारा एप्लीकेशन का यहाँ पे निल और ये 40 लाख एप्लीकेशन में से भी माइनस कर दोगे। क्लियर हो बेटा मैं? सर 1 लाख इक्वल्स टू 4 लाख ये क्या किया आपने? 1 लाख इनटू 4 किया ना बेटा। एप्लीकेशन में कितने रुपए हैं आपके? एप्लीकेशन में कितने रुपए हैं बेटा? 4। वो 4 रुपए वापस करना पड़ेगा ना। 1 लाख तो शेयर्स हैं, हम तो अमाउंट वापस करेंगे ना। तो एप्लीकेशन का 4 रुपया क्योंकि अभी हम पब्लिक ने हमको सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा ही भिजवाया है तो इसलिए एप्लीकेशन का 4 रुपया मतलब 4 लाख रुपया वापस करेंगे। बाकी जो 40 लाख रुपीज बचेगा वो हमारा एप्लीकेशन का है। क्लियर बेटा? ओके सर। कंप्लीट करो बेटा तो वेरीफाई कराऊं। सर हो गया। कंप्लीट सर। सर डन। वेट बेटा। सर डन। गुड। वेट बेटा सबका कंप्लीट होने दो फिर एक बार चेक करेंगे। सर आपने रिजेक्शन के बाद जो 4 लाख लाया उसके बाद आपने जो 40 लाख किया वो जो एप्लीकेशन का होता है वो 40 लाख है ना? पूरा फिर एप्लीकेशन का बेटा। उसके बाद माइनस 40 लाख जो है हाँ वो निल कर देंगे ना बेटा। एप्लीकेशन का पूरा पैसा मिल गया ना बेटा अपन को। ओके ये जो 40 लाख रुपए यहाँ पे आपने एप्लीकेशन लिखा होगा 10 लाख इंटू 4 40 लाख रुपीज लिखा ना बेटा आपने एप्लीकेशन में। हाँ सर। तो ये 40 लाख रुपए हमारा एप्लीकेशन का पूरा मिल गया हो गया। ठीक है ओके सर। मतलब एक्चुअली अपन को मिला था 44 लाख लेकिन 4 लाख रुपया पब्लिक को रिजेक्ट करने के बाद जो 40 लाख रुपया बचा वो हम लोगों ने एप्लीकेशन में ट्रांसफर कर दिया। क्लियर बेटा? यस सर गॉट इट। सर डन। ओके वेट सबका कंप्लीट होने दो बेटा एक साथ एंट्री चेक करेंगे। सर ये जो 10 लाख शेयर्स है जो इश्यू किए कंपनी ने सर। हाँ बेटा बोल। सर ये जो 10 लाख शेयर्स है जो कंपनी ने इश्यू की हाँ वो सभी पोर्शन के लिए होंगे मतलब वो रिटेल फिर वो इंडिविजुअल ऐसा सब आता है उसके लिए? नहीं उसमें क्या होता है बेटा ये सिर्फ रिटेल के लिए होता है क्योंकि HNIs और जो क्वालिटी होते हैं बेटा जिसको हम लोग क्वालिटी इन्वेस्टर्स कहते हैं उनके लिए वो पोर्शन अलग होता है बेटा ये सिर्फ पब्लिक के लिए होता है। सर यस दिया। सर ये रुपीस 10 ईच उसका क्या रोल है? उसका कोई रोल नहीं। आप टोटल करो बेटा एप्लीकेशन पे 4 रुपया अलॉटमेंट पे 3 फर्स्ट कॉल पे 2 फाइनल कॉल पे 1 सबका टोटल करो। हाँ. कितना हुआ? 10। तो टोटल 10 रुपीज हम लोग बाइफर्केट कर रहे हैं बेटा। 10 रुपए को हम लोग 4, 3, 2, 1 करके मंगवा रहे हैं सब एक साथ नहीं मंगवा रहे हैं बेटा ठीक है ना।
बेटा सबका हो गया स्टूडेंट्स को मैं वेरीफाई कर रहा हूँ ओके डन चलो वेरीफाई करेंगे श्रेया फर्स्ट एंट्री ट्राई करो बेटा श्रेया बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन 44 लाख 44 लाख ओके परफेक्ट बेटा शाश्वत सेकंड एंट्री बेटा शेयर एप्लीकेशन टू बैंक टू शेयर कैपिटल शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 44 लाख टू बैंक 4 लाख टू शेयर कैपिटल 40 लाख जीत नेक्स्ट एंट्री बेटा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30 लाख 30 लाख ओके जॉय नेक्स्ट एंट्री बेटा जॉय जॉय नहीं है शायद चलो गगनदीप नेक्स्ट एंट्री बेटा सर बैंक टू शेयर अलॉटमेंट अमाउंट कितना रहेगा बेटा 30 30 ओके ध्रुव पटेल है ध्रुव पटेल ध्रुव पुजारा यस सर नेक्स्ट एंट्री बेटा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर शेयर कैपिटल 40 लाख 40 लाख ओके यक्षेश है यक्षेश नहीं है यक्षेश जैनिल पंचाल नेक्स्ट एंट्री हाँ सर नेक्स्ट एंट्री बेटा वरुण आप बोलो नेक्स्ट एंट्री बेटा वरुण वरुण नेक्स्ट एंट्री सर मेरे को बोल रहे हाँ वरुण कौन से नंबर की सर आपका आवाज कट रहा है सिक्स्थ नंबर की कौन से नंबर की सिक्स्थ सिक्स्थ बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल 20 लाख 20 लाख ओके सर सर मैं बोलूं हाँ सेवेंथ बोल बेटा एक मिनट हाँ शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 10 लाख 10 लाख ओके गुप्ता आज हम लोगों ने बेटा दो टाइप के सम सीखे एक टाइप का सम ऐसा कि जिसमें हमको पूरे पूरे शेयर्स मिल रहे थे और दूसरे टाइप का सम ऐसा जिसमें हमारे पास एक्स्ट्रा शेयर्स आ रहे थे अब स्टूडेंट्स कल हम लोग जो सम करेंगे ना बेटा वो प्रीमियम वाला होगा प्रीमियम का मतलब क्या होता है शेयर होगा 100 रुपए का लेकिन अपन पब्लिक से लेंगे मे बी 110 रुपया या 120 रुपया एक्स्ट्रा पैसा लेंगे तो जब हम लोग पब्लिक से एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं बेटा वो प्रीमियम कहलाता है तो जब प्रीमियम आता है तो सर्टेन एंट्रीज विल बी चेंज्ड अब वो कौन सी एंट्रीज चेंज होंगी वो हम लोग कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे ओके स्टूडेंट्स यस बेटा रिकॉर्डेड वीडियो में रात को भेज दूंगा बेटा स्टूडेंट्स कल का लेक्चर का टाइम है 11:30 बेटा 11:30 बजे 11:30 टू 12:15 कल लेक्चर होगा बेटा ओके एग्जाम नहीं है कल सर कोई कल एग्जाम नहीं है बेटा नेक्स्ट संडे मैंने पहले ही बोला था चलो बाय बाय कल वन एंड हाफ आवर का लेक्चर बाय सर नहीं 45 मिनट्स का लेक्चर है गगनदीप कल बेटा सर कितने बजे 11:30 बेटा ओके